यस स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखिए मैंने आपको जैसा बोला था और मुझे होप भी है कि आपने इस पेपर को पहले सॉल्व कर लिया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी 2D में ही आती है। 2D में हमेशा होता यह है कि हम कई बार क्वेश्चन समझ नहीं पाते या लोकस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। और इन क्विक रिवीजन का क्लास का पर्पज़ यही है कि किसी भी तरह आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। बेस फाउंडेशन आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है पर उनको यूज़ करना या उनके एप्लीकेशंस में कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और एक बात और बोलूँगा कि जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा उसको स्कैप कर देंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन के डिस्कशन करते चलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस करना कैसे है वो समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, देखिए द सर्कल हुज इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू 0 विल टचेस वन अनदर एक्सटर्नली, यानी सर्कल टचेस एक्सटर्नली। इसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेजर पार्ट में कई बार सर्कल या कॉनिक्स में प्रॉब्लम आती है पर उसमें स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट लगते हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ चलूँगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, स्पीड में ही पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे मैं करवाऊंगा वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप भी करेंगे, इसलिए फाउंडेशन के समय जैसे हम स्लो चलते हैं पर क्वेश्चन सॉल्विंग के समय आप अपनी फुल एनर्जी के साथ पेपर को सॉल्व करिए। अब देखिए सर्कल में हमने पढ़ा हुआ कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज भी करवाता चलूँगा कि एक्सटर्नली टचेस बोला है तो सिंपल दोनों सेंटर का डिस्टेंस इस क्वेश्चन में करना ही है, ये दोनों सेंटर का डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम के इक्वल होगा। यही टचेज इंटरनली होता तो क्या करते C1 माइनस C2 मतलब C1 C2 किसके इक्वल होता, R1 माइनस R2 के। इस समय आपको 5 कंडीशंस बताई हुई थी, तो अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट जो सर्कल है वो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। यानी इस सर्कल को अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर है वो a कॉमा 0 है और रेडियस है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर हम सेकेंड सर्कल को देखें तो सेकेंड सर्कल का सेंटर है 0, b और रेडियस देखें तो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर है। और अगर दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको एक रिजल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर होगा तो माइनस 2c² प्लस 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखिए ये कैंसिल कंप्लीटली, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ऐसा आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू लॉजिकली ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग करा तो C4 इक्वल टू, आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस C4, ये भी कैंसिल। देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/c², यानी बिल्कुल स्टैंडर्ड कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था कि दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती वो आपको समझ में आएंगे। सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन में बोला है द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, क्वेश्चन पेपर आपके पास है 1+p × x माइनस py प्लस p × 1+p इक्वल टू 0 एंड 1+q × x माइनस qy प्लस q × 1+q इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, राइट। द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 1+p × x माइनस py प्लस p × 1+p इक्वल टू 0, 1+q × x माइनस qy प्लस q × 1+q इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 वेयर q नॉट p नॉट इक्वल टू q।
द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. अब जैसे ऑप्शन दिए हैं हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन. अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें, पूरा भी करेंगे सॉल्व, कंसेप्ट भी बताता हूँ. हमेशा हम उलझते हैं इसमें, जहाँ पे लोकस वर्ड आता है कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उलझने लगते हैं. अब देखिए द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर यानी ऑर्थो सेंटर का लोकस बताना है जो कि इन थ्री साइड से मिलकर बन रहा है. आप सबसे पहले y इक्वल टू जीरो बोला है यानी लॉजिकली देखें तो y इक्वल टू जीरो कहाँ होगा यानी x एक्सिस. तो एक लाइन तो ये हो गई y इक्वल टू जीरो, राइट. एक लाइन क्या हो गई, अगर ध्यान दें, मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, अदरवाइज इसका आंसर आप डायरेक्ट कैसे देंगे वो भी बताता हूँ. वन प्लस पी इंटू एक्स माइनस पी वाई प्लस पी इंटू वन प्लस पी इक्वल टू जीरो. इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वन प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू इंटू वन प्लस क्यू इक्वल टू जीरो. आप समझिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है. ऑर्थो सेंटर होता है लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ऐसे तीन लाइन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. अब लॉजिकली बताइए, आप इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, समझना, इसकी निकालोगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो एच के का लोकस मिलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा. तो आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी लोकस क्या हो गया, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर स्ट्रेट लाइन. समझिएगा फिर से क्वेश्चन क्या है, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर. स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को सेपरेट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, यानी लोकस हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी यहां पे क्वेश्चन खत्म. अब पूरा करवा देता हूं, कैसे करेंगे. देखिए वाई की वैल्यू है जीरो रख दीजिए, वाई जीरो रखा, वन प्लस पी कैंसिल तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस पी जीरो. यहां पर रखा वाई को जीरो तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ क्यू कॉमा जीरो. मतलब इसका यह हुआ कि इस क्वाड्रेंट में, पर उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता, आपका रफ डायग्राम है. अब अगर मैं बोलूं कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, राइट, इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो समझना ये इंटरचेंज होंगे, ये इंटरचेंज होंगे. तो पी एक्स प्लस वन प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं एंड दिस इज पासिंग थ्रू माइनस पी जीरो. ये कौन सी वाली है, वन प्लस पी है तो वन प्लस पी इंटू एक्स है तो इस पासिंग थ्रू माइनस क्यू जीरो. आपने जैसे ही रखा माइनस क्यू तो माइनस पी क्यू, y की जगह 0 इक्वल टू लेमडा, तो एक तरह से इक्वेशन आ गई पी एक्स प्लस वन प्लस पी इंटू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो. ये एक लाइन आ गई, राइट, ये एक लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई. सिमिलरली ये वाली लाइन भी निकालोगे वही सेम आएगा, इसमें पी जीरो रखोगे तो ऐसा ही कुछ आंसर आएगा. क्या आ जाएगा बोलिए, सबसे पहले तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन अगर बोली जाए तो आप लिखते क्यू एक्स प्लस, अब देखो टाइम ऐसे बढ़ता है, वन प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू लेमडा एंड पासिंग थ्रू माइनस पी जीरो, तो लेमडा की वैल्यू आ गई अगेन पी क्यू माइनस का, यानी अगली लाइन की इक्वेशन आ गई क्यू एक्स प्लस वन प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो. माइनस किया, इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर, तो सेपरेट किया, राइट, सेपरेट किया तो मिलेगा एक्स इंटू पी माइनस क्यू प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल, पी माइनस क्यू का तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. देखिए ये लोकस आ गया, ये अल्फा एच के का ही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. यही आपको आंसर बताना था. पर जब हम सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन को तो हमेशा टाइम लगता है. और देखिए एक चीज़ समझिएगा, अभी जैसे मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ मेजर पार्ट, जैसे पूरा कैलकुलस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट, अगर इनमें देखें तो कोऑर्डिनेट कई बार टाइम कंज्यूम करता है. तो कोऑर्डिनेट में अगर आपने बेस फाउंडेशन अच्छे से करा, टेक्निक्स अच्छे से डेवलप करिए, तो आपका टाइम हमेशा सेव होगा, अदरवाइज नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि देखिए इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो एज वेल एज द हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर बाय नाइन माइनस वाई स्क्वेयर बाय फोर इक्वल टू वन इज, राइट. समझिएगा क्या क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा.
क्वेश्चन में बोला गया है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एज वेल एज हाइपरबोला। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी। जैसे अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की टेंजेंट की, देखिए ये कुछ कंसेप्ट है याद रखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स दिया और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो सी इक्वल टू ए बाय, अगर मैं बात करूं एलिप्स है, वैसे इसको ऑप्शन से करेंगे पर एक छोटे छोटे रिविजन्स, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको जब पढ़ाया तो पूरा डिटेल में पढ़ाया, हर चीज बताई, इवन आपको फॉर्मूले याद ना हो तो कैसे करना है वो भी बताया। बट जब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आते हैं तो अगर स्टैंडर्ड आया तो स्टैंडर्ड तरीके से करो, ना जनरल क्वेश्चन आया तो जनरल तरीके से करो। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर सी की देखें तो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज हाइपरबोला हो तो क्या होगा, यही चीज अगर हाइपरबोला तो सी इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सर्कल है तो सी इक्वल टू ए इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं चाहूं तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करके देख लूं और फिर मेथड से करना, तो जैसे ऑप्शन से अगर करेंगे तो सर्कल का सेंटर है 4,0 और रेडियस भी 4 ही है, तो अगर मैं ऑप्शन में जैसे ऑप्शन है 2x माइनस रूट 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, इस पर इससे परपेंडिकुलर डालूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 माइनस 20 अपॉन रूट 4 प्लस 5, यानी ये एक तरह से मिला 12/9 का मतलब 3 यानी 4, ये भी करेक्ट है। अब b पे जाएं तो अब देखिए b पे जाते हैं हम, तो b में केवल यहाँ पर प्लस 4 दिया है, प्लस 4 होने से क्या होगा कि ऐसा दिया b 2x माइनस रूट 5y प्लस 4, देन प्लस 4 होने पर भी देखिए क्या होगा, 8 प्लस 4 12, वो भी करेगा, यानी ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। अब c पे अगर जाएं तो मेंटली करने की कोशिश करें तो 12 अपॉन 5 ये नहीं कर रहा है, सी और डी नहीं कर रहे हैं, अब ए और बी कर रहे हैं। अब दूसरा, अब ए और बी में अगर हम देखें तो हम इससे कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं, जैसे अगर मैं मान लो इसको वाई के फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, बोलिए रूट फाइव वाई इक्वल टू 2x माइनस 20 या वाई इक्वल टू 2/√5x माइनस 20/√5, यानी सी की वैल्यू एक तरह से आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5×4, यानी एक तरह से सी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 5×4, तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माई प्लस वो सॉरी माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए, तो ये तो सी स्क्वायर की अगर बात करें तो ये रूट 5×4 है, यानी 4√5 प्लस माइनस बोलिए ए स्क्वायर मतलब 9, एम कितना है 2/√5, तो ये हो जाएगा 2/√5 यानी 4/5 प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है -4, राइट तो प्लस माइनस ये हो गया देखिए कितना 36 − 20/5, राइट ये हो गया 9 × 4 = 36 − 20/5 यानी √16/5 पूरा अंदर में ही, तो 4/√5 आ गया, राइट अब आप बताइए कि सी की वैल्यू कितनी होना चाहिए, सी की वैल्यू ये लिखिए जब आप डिवाइड कर देते हो तो सी की वैल्यू इस वाले से देखें हम तो ये आ रही है, अब ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 4/√5 है और ये √5 4 है, यानी अब नहीं है तो बचा हुआ आंसर हो गया बी, तो बचा हुआ आंसर हो गया बी, तो बी को किस फॉर्म में लिखोगे, देखो बी को जब लिखोगे तो √5y = 2x + 4, तो y = 2/√5 × x + 4/√5, देखिए 4/√5 ही है, यानी सी इज आ राइट आंसर। अब ये एक तरीका हुआ, आपको लग रहा होगा इसमें टाइम लगा, पर मैं क्योंकि आपको क्वेश्चन के फॉर्मूले भी बता रहा हूँ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ इसलिए, पर इन ऑल अगर देखें हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन लेते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन में दूसरे करेक्ट कंडीशन सी की वैल्यू को वेरीफाई करवा लेते हैं, या फिर आप इनिशियल स्टेज पर ही करते तो आप ऐसा भी कर सकते थे y = mx + -a²m², अब देखो अगर इसके फॉर्म से करूं तो ए स्क्वायर कितना है 9, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4, ये लिख देते ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके सेंटर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो इसके रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ये प्रॉपर मेथड हो गया, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो देखिए परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या होगा, एम एक्स माइनस वाई लिखोगे आप तो एम एक्स की जगह यानी 4m + −√9m²
माइनस फोर अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इक्वल टू फोर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक प्लस लेके भी कर सकते हैं, माइनस लेके भी, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला है, सुनिएगा। इफ द ग्राफ y इक्वल टू, देखते हैं पहले, इफ द ग्राफ y इक्वल टू x माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री इज शिफ्टेड टू y फाइव यूनिट अप एंड टू यूनिट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट ग्राफ, अगर आप ध्यान दें तो ये ऐसा है, x माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू y प्लस थ्री, यानी अगर इसका कर्व देखें तो इसके वर्टेक्स 2, -3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। कुछ इस तरह का कर्व है। अब आपको क्या बोला है, अप में कितना जाना है, अप में जाना है 5, तो माइनस थ्री प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, और राइट में डाउन में कितना जाना है ओरिजेंटल 2, यानी 4, इसमें 2 ऐड करो तो 4, इसमें 5 ऐड करो तो 2, 4, 2 पे नया शिफ्ट हो गया। तो क्या हुई इक्वेशन, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। तो x इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 पे शिफ्ट हुआ है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक मिनट, टूवर्ड राइट शिफ्ट हुआ है 2, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस ऑफ 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन ए पी, ओके, ए बी सी नॉन जीरो नंबर है ए पी में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन ए पी देन द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट देन द पॉइंट, ओके, देन द पॉइंट बोला है, तो 1 -2, 1, 1/2, -1, 2 और नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन ए पी देन द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट देन द पॉइंट। अब सिंपल है, आप इसमें ऑप्शन रख दीजिए और ये पॉइंट रखने पर आपको ये कंडीशन मिलना चाहिए, बस सीधा लॉजिक है। तो आपने सपोज 1 -2 रखा, तो 1 अपॉन ए -2 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू जीरो, यानी ऐसा मिला। अगर लॉजिकली देखें तो ये ए बी सी इस केस में एच पी में हुआ है, पर आपको तो ए पी बोला है तो ये रिजेक्ट हो गया। अब बी पे आ जाए तो बी रखेंगे तो 1 by a + 1/2b + 1/c = 0, इससे कुछ नहीं निकलना। -1/2 रखिए, इससे भी कुछ देखिए नहीं निकलेगा, नो यानी ये तीनों पॉइंट पे ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हुआ नन ऑफ दिस। पर अगर ए बी सी एच पी में दिए होते तो ये आंसर करेक्ट हो सकता था, अभी नहीं दिया है तो आंसर होगा नन ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको सजेशन दूंगा ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर आर 2x - 3y + 12 = 0, x + 4y - 5 = 0 एंड एरिया इज, एरिया दिया है सर्कल का 154 square units। तो आपको पता है कि अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और एरिया बोला है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये देते इसलिए है 154, ठीक है। ये 22 11 से कैंसिल, 2 times 11 = 14, ये 7 times, तो देखिए आर इक्वल टू 7, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग इजीली निकाल लेंगे। तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस को स्कैप करते हुए चलेंगे कि x अपॉन, ये आपने किया 15 - 36,
y upon 12 plus 10 and 1 upon 8 plus 3. अब आपको xy भी पता है, यानी आपको सबसे पहले सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन आप इजीली यहां पर निकाल सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला विद फोकस इज माइनस 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 4x plus 3y minus 24 equal to 0. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेवन नंबर का, सॉरी ये होगा 15 माइनस 48, सॉरी, तो एक्स में ऐसा आ जाएगा ये माइनस 33, वाई आ जाएगा 22 और ये जाएगा 1 अपॉन 11, यानी एक्स का है माइनस 3, वाई का 2 है। यस, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज माइनस 1 whose focus is minus 1 and directrix is 4x plus 3y minus 24 equal to 0. इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी लेके कर सकते हैं, बेटर है ऑप्शन पे जाएं, पर उसके पहले मैं बता दूं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला whose focus is minus 1 and directrix दी हुई है। देखिए आप एक ऐसा समझिएगा, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है 4x plus 3y minus 24 equal to 0। सीधा सा लॉजिक है, आपसे वर्टेक्स पूछा है, कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0 3/2, 0, 5/2, 1, 3/2, 1, 5/2, राइट। अब जरा देखिए ध्यान से कि पैराबोला में हमने पढ़ा हुआ, अब स्टैंडर्ड पढ़े हुए चीजों को, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉनिक्स पढ़ाया उसको अगर आप ध्यान रखोगे, जो जो चीजें बोली है पढ़ाते समय ध्यान दिलाई है, वो सब अगर एक बार आपके दिमाग में आ जाए, आप जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सोचा करो कि मैंने फाउंडेशन में इसको कैसे कवर किया, क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि वर्टेक्स ये है और वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। अब एक काम कर सकते हैं, इससे परपेंडिकुलर लाइन को एक्सेस बोलेंगे, क्योंकि वर्टेक्स हमेशा एक्सेस से जाएगा, तो ये हो गया 3x माइनस 4y इक्वल टू लेमडा पासिंग थ्रू माइनस 1 1, तो माइनस 3 माइनस 4 यानी लेमडा माइनस 7, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन रखा, ए रखा 0 नहीं हो रहा रिजेक्ट, बी रखा 0 नहीं हो रहा रिजेक्ट, सी रखा 3 माइनस 2 से कैंसिल, ये भी नहीं हो रहा है रिजेक्ट, डी पे आए, एक मिनट सी को देख लें, 3 माइनस 2 से 2 टाइम कैंसिल, माइनस 6 नहीं हो रहा है, डी पे आए तो रखा कितना 3 माइनस 5/2, 2 कैंसिल तो माइनस 10 प्लस 7, ये हो रहा है, दिस इज द राइट आंसर। अब एक और बात सुनो, ये तीनों आंसर ही कैंसिल होगा, जब भी को ऑप्शन पे जाओ तो ये मत ढूंढो कि राइट कौन सा है, ये देखो कि 3 रॉन्ग कौन से। अब यही कंसेप्ट होता है, इसी को लॉजिक बोलते हैं, आप ट्रिक के पीछे मत भागो, कंसेप्ट और लॉजिक्स बनाओ, जितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे उतने जल्दी क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर ये आ गया राइट। अब मान लीजिए अगर इन केस टू ऑप्शन मैच कर रहे होते, क्योंकि इस लाइन पे तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो भी हमारे पास एक ट्रिक है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल जाएगा आपको, और इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है वर्टेक्स। ये भी एक तरीका हो सकता था आपके पास करने के लिए, कि आपके पास ये इक्वेशन भी थी, आपके पास ये इक्वेशन भी थी, आप कर सकते थे, पर सपोज दो ऑप्शन आते हैं, अब इसको सॉल्व करने में भी टाइम बचाना है, मान लीजिए कोई दो ऑप्शन होते इसके अलावा एक और भी, तो मैं यहां पर लिखता 1, 5/2, मुझे नहीं निकालना इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक तरीका और होता है, ये माइनस 1 है, ये 1 है राइट, यानी कितने डिफरेंस पे 2 पे, तो ये होगा 3, ये 1 है, ये 5/2 है, तो कितना ऐड हो गया इसमें 3/2, तो 3/2 और ऐड कर दो इसमें तो कितना जाएगा 4 राइट। अब ये 3/4 देखो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, अभी से तो आपने रखा 12 प्लस 12 कर रहे हैं, यानी ये हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है, अगर ये मिड पॉइंट होता, और ये मिड पॉइंट है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट ऐसे आए कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लो नहीं होता तो ये नहीं आता, यानी आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग लॉजिक है इसके ऊपर डिपेंड करता है, या इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते ये आता, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते वर्टेक्स आता, यानी अगर आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, कंसेप्ट बना के पढ़ी हैं, तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम जब भी होती जब हम कहीं ना कहीं कंसेप्ट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, अदरवाइज कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 देखें,
तो एट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एट क्वेश्चन में बोला गया है टू कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू टू ए स्क्वेयर एंड पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू एट ए एक्स। अब आपसे बोला है कि टू टेंजेंट क्या होंगी, इसको भी आप चाहें तो ऑप्शन पे हेल्प ले सकते हैं। एक्स इक्वल टू ऐसा दिया है प्लस माइनस वाई प्लस टू ए, बी है वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस टू ए, सी ऑप्शन है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस ए एंड डी ऑप्शन है वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस ए। अब अगर हम समझें तो एक तरीका ये हो सकता है कि सीधा सीधा आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलिए, पर इनको ध्यान से देखें तो सबसे पहला काम मुझे ये करना चाहिए कि मुझे ऑप्शन पे जाना चाहिए। अगर इसके सेंटर से जीरो जीरो से इस पे परपेंडिकुलर डालूँ तो इसका रेडियस है रूट टू ए, ऑप्शन ए ऐसा है, पूरा प्लस ही ले लें तो एक्स माइनस वाई माइनस टू ए इक्वल टू जीरो डाल दीजिए, जरा जीरो जीरो से परपेंडिकुलर टू ए अपॉन रूट वन प्लस वन यानी रूट टू ए आ रहा है, राइट। अब इसका मतलब ये आंसर तो करेक्ट हो सकता है, पर अगर ये करेक्ट है तो आप ध्यान दो ये भी ऐसे ही बनेगा वाई माइनस एक्स माइनस टू ए, तो ये भी कर रहा होगा। हाँ ये दोनों जरूर नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब ये दो पे तो हम कंफर्म हो गए रिजेक्ट है, राइट। अब दूसरी बात कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आंसर ए करेक्ट है, अगर आंसर ए करेक्ट है तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस टू ए लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन लें तो वाई या ये जो निकली इक्वेशन ले सकते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक तरह से कोई भी ले लो प्लस वाला ले लो, चलो आप प्लस वाला ले लिया तो वाई इक्वल टू कितना आ गया एक्स माइनस टू ए, राइट। अब अगर ये इक्वेशन हमने ये तो वेरीफाई कर लिया इसकी टेंजेंट है, इसकी है कि नहीं, अगर इसकी है तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए ए बाय एम के, किसके इक्वल आना चाहिए ए बाय एम के, तो ए कितना है यहां पर देखें फोर एक्स के बाद जो बचे उसे बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स से कंपेयर करते हो, 4x के बाद जो चीज बचे उसे बोलते हैं a, बहुत केयरफुल रहना यहां पर मिस्टेक होने के बहुत चांस है, तो 4x के बाद बचता है 2a, तो c की वैल्यू हो गई 2a और यहां पर a by m रखा तो माइनस 2a, यानी इसका मतलब ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो आप इसका मतलब कंफर्म हो गया कि b कर रहा होगा, इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि b कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब b को हम चेक जरूर कर लेंगे पर b कर रहा होगा, b में अगर हम प्लस साइन लें तो y इक्वल टू आप लिखते हैं x प्लस टू ए, देखिए दिख गया कर रहा है क्योंकि 2a इक्वल टू टू ए, यानी आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो गए तो आपके क्वेश्चन बहुत तेजी में बनेंगे, नहीं तो नहीं। और ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है, इनको अगर आपने याद रखा तो आपका हमेशा एग्जाम में टाइम सेव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम एग्जाम में कितना टाइम सेव करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है जरा, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या बोला गया है वो एक बार समझिए अच्छे से। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू a cos 2t, y इक्वल टू टू रूट टू ए साइन t विथ m एज अ स्लोप, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व विथ m एज अ स्लोप, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व पूछिए, यानी आपको बताना है क्या करना है, स्लोप बताना है। अब क्या करोगे इसमें, देखिए ये ऐसा है एक तरह से x इक्वल टू, समझे पहले कि ये इक्वेशन है क्या, x इक्वल टू ए इंटू इसको लिख सकते हो चाहो तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी, यस और नो। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ a इंटू 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दें तो 2 साइन टी की वैल्यू क्या है, 2 साइन टी की वैल्यू है a रूट टू, और अगर मैं यहाँ पर ये 2 के साथ है, पर याद रखना आप तो साइन टी लिखो नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपको, a टू रूट टू क्योंकि ये साइन स्क्वायर टी है, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू फोर टू जा एट, ये आ गया। इसका मतलब एक तरह से ऐसा हो गया a ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एक a से एक a भी कैंसिल हो गया, तो ऐसा भी बोल सकते हैं 4y स्क्वायर इक्वल x इक्वल टू 4ax
equal to 4a square minus y square, या y square equal to minus 4a common ले लीजिए, तो x minus a. अब अगर y square equal to mx plus c, sorry, y equal to mx plus c और y square equal to 4ax हो, तो equation of tangent होती है mx plus a by m. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, तो आप लिखोगे y equal to, right, y equal to, पर यहाँ पे ध्यान रखना ये x minus a हो गया है बस, तो x minus a से ही shifting होगी, इसके अलावा और कोई change नहीं होगा. तो आप ऐसा लिखोगे m into x minus a, minus भी आएगा क्योंकि ये minus वाला है, m into x minus a minus minus of a by m, right, x minus a, sorry, ये तो यही रहेगा x minus a into this. अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो mx minus am minus a by m, चाहो तो y equal to mx minus a common ले लो, तो 1 by m, ये आंसर आ गया, right, नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या क्वेश्चन है समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है, और इन सब क्वेश्चंस का पर्पस है, आपने सॉल्व की होगी शीट, एक ही पर्पस है, और सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. देखिए क्या, इफ माइनस 4, 5 इज वन वर्टेक्स एंड 7x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 इज वन ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल. ठीक है, एक डायगोनल की इक्वेशन दी है, अदर की पूछी है, और एक वर्टेक्स दिया है. अब अगर आप माइनस 4, 5 इसमें रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखिए माइनस 28 हो जाएगा. इसका मतलब पक्की बात हो गई कि ये इस डायगोनल की इक्वेशन है, 7x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी x प्लस 7y इक्वल टू लेमडा, एंड पासिंग थ्रू दिस वन, तो माइनस 4 प्लस 35 इक्वल टू लेमडा, यानी x प्लस 7y माइनस 31 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 31 इज अ राइट आंसर, राइट. देन क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट बात करते हैं 11 की, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सच दैट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला देन लेंथ ऑफ द साइड. तो स्टैंडर्ड आंसर इसका हमेशा आता है क्या, 8a√3. करना कैसे है वो आपको पहले से पता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है, एक वर्टेक्स, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 एंगल होगा, ये ओवरऑल 60 होगा, राइट, और इसकी लेंथ आपसे पूछी है, यानी ये एल आपसे पूछा है, क्लियर है बात. अब इसमें एक ये काम कर सकते थे कि अगर आप बोलते इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब ये एक्स है और एक्स की वैल्यू यहां रख दो तो वाई भी इन टर्म ऑफ निकल सकता है. कितना x की वैल्यू रख दी आपने, तो y इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हो आप, y इक्वल टू 2√a√x, राइट. तो y की वैल्यू आ गई, चाहो तो ले लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो ये आ गई रूट ऑफ 2, या एक्स वाई लिखा रहने चलेगा, ये y आ गया, तो ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट. एक्स इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, कॉस 30 इक्वल टू एक्स अपॉन एल, साइन 30 इक्वल टू वाई अपॉन एल, यानी एक्स इक्वल टू, बोलिए एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे, एल इन टू कॉस 30, तो कितना जाएगा एल स्क्वायर, देखिए कितना जाएगा एल स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, रूट 3, तो 3/4, प्लस ऐसे वाई की जगह लिख लोगे कितना L इंटू, तो मतलब ये हो जाएगा कितना साइन 30, यानी 1/2, तो 1/4 L स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है आपने, राइट, या यहीं के यहीं आ गया आपका सीधा सीधा, यहीं आ गया आंसर, cos 30 इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया L cos 30, इसको उससे मत करो, y इक्वल टू हो गया L साइन 30, एक्स वाई कहां पर है, पैराबोला पे रख दो आप, पैराबोला पे रख दिया तो वाई स्क्वायर यानी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 4a इंटू एल कॉस 30, खत्म, एक एल कैंसिल,
अब बोलो L इंटू वन बाय फोर इक्वल टू फोर ए इंटू रूट थ्री बाय टू, ये टू टाइम कैंसिल, तो L इक्वल टू देखिए क्या आ गया, एट ए रूट थ्री, उससे मत करिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। क्या किया आपने, सिंपल इसको एक्स वाई माना ऑन द पैराबोला, ये लेंथ हुई x, ये लेंथ हुई y, यहाँ से cos थीटा निकाला, cos 30, cos 30 इज x अपॉन l, सिमिलरली sin 30 इज y अपॉन l, और x और y की वैल्यू को l के टर्म में पैराबोला पे रख दिया, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है, तो आपको डायरेक्टली लेंथ ऑफ पैराबोला मिल गया, राइट right? नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला। देखिए कोऑर्डिनेट में टाइम लगेगा, कोऑर्डिनेट के पूरे पेपर के डिस्कशन में टाइम लगेगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। क्या क्वेश्चन है देखिए, द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर के रूट थ्री, एंड सेकेंड लाइन दिए ऐसा, सेकेंड लाइन ऐसी दिए के इंटू रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर रूट थ्री फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के इज अ हाइपरबोला देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, तो आपसे इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बोलिए, सिंपल हो गया, ये के यहाँ ले जाओ, ये हो गया के, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के से के कैंसिल और 1648 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 48 इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी बोलिए तो 1 प्लस 48 बाय 16 यानी 2, आपसे एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बोला था तो कितना आ गया 2, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है देखिए, 13 क्वेश्चन में बोला गया है इफ पी क्यू इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, सच दैट इफ पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, सच दैट ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल वेयर ओ इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, बी स्क्वेयर ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वेयर बाय रूट थ्री, बी स्क्वेयर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर बाय थ्री, बी स्क्वेयर लेस देन ए स्क्वेयर बाय थ्री एंड बी स्क्वेयर लेस देन माइनस ए स्क्वेयर बाय रूट थ्री। अब देखिए क्या बोला है, ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में कुछ ऐसा बोला गया है, सपोज ये बात करें हम यहाँ पर कोई डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हैं, तो ऐसा बोल दो एक्स वाई भी लिखा रहेगा तो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली सेटिस्फाई तो करेंगे, तो आप पर आप चाहो तो अलग लिख समझाने के लिए अल्फा बीटा लिख लिया, तो इसके होंगे अल्फा माइनस बीटा बिकॉज डबल ऑर्डिनेट है, ये बन गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया ओ, ये बन गया इक्विलेटर ट्राइंगल। अब आपसे बोला है पी क्यू इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला, ओ पी क्यू इज इक्विलेटर ट्राइंगल वेयर ओ इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब अल्फा बीटा इसी पे होंगे, ये जीरो जीरो है राइट, अल्फा बीटा इसी पे होंगे, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन मतलब बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 राइट। अब देखिए क्या बोला है, ओ इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज 2, अब इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इक्विलेटर ट्राइंगल में आपको एक चीज पता है कि ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा और कुछ इस ढंग से होंगे कोऑर्डिनेट, ये होगा इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट बोलूं जिस पॉइंट पर ये कर रहा है, तो ये होगा अल्फा कॉमा जीरो जीरो, यानी ये अल्फा है ये बीटा है राइट। आपसे अगर मैं बोलूं कि कॉस 30 ले लो, बिल्कुल वैसे ही अभी जैसे कर रहा था, तो आप बोलते अल्फा अपॉन ओपी लिख सकते थे, अल्फा अपॉन ओपी, एंड साइन 30 अगर मैं बोलूं तो आप बोलते बीटा अपॉन ओपी राइट। यस, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर इसको चाहो तो अल्फा अपॉन ओपी को एल लिख लो और बीटा अपॉन एल लिख लो, और जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा मानो, आप एक्स वाई भी लिखा रहने देते चलता, मतलब अल्फा इक्वल टू आप बोलते एल कॉस 30
बीटा इक्वल टू आप बोलते एल साइन 30, राइट। एक्स वाई भी रहता तो चलता। अब आपने लिखा यहां पर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर चाहे तो हम बाहर भी ले सकते हैं। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी 3/4 ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह रखिए कितना, बीटा स्क्वायर की जगह रखा तो एल तो बाहर ले चुके 1/30 यानी 1/4 बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। एक तरह से एल स्क्वायर बाय 4 बाहर लिख दिया, आपने लिखा 3b स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल या अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब समझना आप जरा अच्छे से, इक्वल टू 1। अब ये क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है ऐसा लिखा जाता, मतलब 3b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो ही रिजल्ट सक्सेसफुल होगा, यानी 3b स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाय 3 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाय 3, ये आंसर आ गया। देखिए ये सभी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये उधर गया एक तरह से पॉजिटिव रहा, तो इस पूरे का रिजल्ट भी पॉजिटिव होना जरूरी है, बस आपने वही किया यहाँ पर। तो आपने क्या करा यहाँ पर, एक्स अल्फा बीटा केवल समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्टली एक्स वाई से कर लें, और पैराबोला का जो क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा रिलेट करें तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है, बस हाइपरबोला दिया है तो एक कर्व आपका और बन गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको क्या करना है इसको समझना, देखिए जरा अच्छे से। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला इफ द फुट ऑफ द एलिप्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16y² इक्वल टू 16b² एंड हाइपरबोला, सॉरी इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला 81x² माइनस 144y² इक्वल टू 81 × 144/25 कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ बी, मतलब इसकी जो फोकाई और इसकी जो फोकाई है सेम है, और जो इसकी फोकाई है वो दोनों सेम है। अगर मैं इसकी फोकाई की बात करूं तो एक पहले इसको बना लो इक्वेशन को, तो आप ऐसा लिखते हैं x² / 16, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो सकता है याद भी हो। इसका अगर फोकाई देखें तो 4, e मतलब 4 ये हो गया और e 0, और e का मतलब है यहाँ पर √1 − b² / a² यानी 16, तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं √16 − b² 4 से 4 कैंसिल, राइट ये हो गया एक तरह से। अब इसको इसकी फोकाई से कंपेयर करना है, इसकी फोकाई क्या है, इसको कैंसिल करेंगे तो x² / 145/25 − y² / ये ना भी लिखे स्टेप चलेगा, कोशिश करा करेंगे स्टेप बचे, 81/25 = 1 ई हो गया, √1 + b² / 144 यानी 15/12 5/4, ए कितना है, ए है 12/5, ई है 5/4 0 यानी ये कैंसिल हो गया 3 times, तो 3, 0। अब ये पूरा जो है √16 − b² = 3 यानी 16 − b² = 9, अगर बी स्क्वायर बोला होता तो 7, और अगर b पूछा है तो √7 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्वेश्चन है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू, ये तो ऑप्शन से कर सकते हो, −1, 1 and 2, 1 एंड हैविंग सेंटर ऑन द लाइन। अब देखिए एक सिंपल से टू लॉजिक्स हैं, सबसे पहले ऑप्शन में ये कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका सेंटर, तो आप इसको इजीली ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन के सेंटर इसको सेटिस्फाई करेंगे और उस इक्वेशन के कुम में ये रखने पर भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर टू आंसर मैच कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है इतने में ही काम हो जाए। जैसे अगर ऑप्शन ए देखें तो 2x² लिखा है, 2 का डिवाइड करते हुए लिखना सीधे, हर स्टेप को सेव करना इंपॉर्टेंट है, मतलब x² + y² − x + 7/2y − 13/2 = 0। जैसे इसका सेंटर क्या है, 1/2 − 7/4 रख के देखिए जरा, तो 1/2 − 7/2 + 3, ये −3 ये कर रहा है सेटिस्फाई। अब ऐसे बाकी को भी चेक कर लो, और इसमें फिर ये पॉइंट को भी क्रॉस चेक करने के लिए यूज
कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए 16 क्या है, इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x प्लस, ये भी करा हुआ क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x प्लस y इक्वल टू 2 एंड द वर्टेक्स 2 माइनस 1 देन लेंथ ऑफ साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस की इक्वेशन ये है और आपको क्या दिया हुआ है, ये एक वर्टेक्स दिया है 2, -1। अब 2, -1 अनदर वर्टेक्स है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो लेंथ मिल जाएगी। देखिए कितना आ जाएगा, डी, ये एंगल 60 है और ये निकाल लो डी, तो डी आ गया 2, -1, -2 अपॉन √2 यानी 1/√2। ये 1/√2 है, ये एल है, ले लीजिए साइन 60, तो साइन 60 इक्वल टू 1/√2 एल, यानी साइन 60 कितना, √3/2 इक्वल टू 1/√2 एल, तो एल इक्वल टू आ गया, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो √3 √6 सॉरी ये हो जाएगा ऐसा, एल यहाँ आएगा तो 2/√2 × √3 यानी ऐसा बोल सकते हो √2/3 √2/3 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 17, और ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझिए, अच्छे से सॉल्व करिए, पूरा फोकस अपना अगर आप पेपर सॉल्विंग में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 7 एंड पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3, ये इजीली आप ऑप्शन से कर लेंगे 1, -7, यानी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल लाइन हो गई 2x - 3y = λ और बोला है एंड पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों के मिड पॉइंट से अगर वो पास हो रही, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, -2, 1, -2 यहां रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 + 6 = λ यानी λ = x, तो 2x - 3y = 8 इज अ राइट आंसर, राइट। 2x - 3y = 8, यस। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा और क्या बोला 18 क्वेश्चन में वो देखिए। 18 क्वेश्चन में बोला द पॉइंट ऑन द कर्व y = 6x - x² वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कभी भी बोले तो dy/dx = 0, ऑप्शन से भी इजीली होगा, मेथड से भी इजीली होगा, dy/dx को 0 करो मतलब निकालो 6 - 2x, 0 से इक्वेट किया तो देखो x 3 आया, x की वैल्यू 3 रख दो, 18 - 9 तो y 9, 3, 9। और दूसरा तरीका आप डायरेक्टली ऑप्शन सेटिस्फाई करवा देते, पर ऑप्शन में जैसे 0 0 भी कर रहा था तो इसलिए आपको मेथड से भी करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्वेश्चन है, इफ 4, -3 एंड -9, 7 आर द टू वर्टासेज ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, 4 इज इट्स सेंट्राइड देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए समझिएगा 1, 4 इसका सेंट्राइड है, ऐसा एक कोई ट्राइंगल दिया है, ए है, बी है, सी है, आपको सपोज ऐसा दिया है 4, -3 समझा रहा हूँ के लिए डायग्राम बनाया, -9, 7 वैसे भी कोऑर्डिनेट डायग्राम बना के करोगे तो कंसेप्ट या इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। इसका वर्टेक्स नहीं पता है पर आपको ये पता है कि जो सेंट्राइड है, जो सेंट्राइड है ये हो गया, सेंट्राइड जो है वो है 1, 4। अब आपके पास टू मेथड है, मेथड नंबर 1 कि आप इसकी हेल्प से, सेंट्राइड की हेल्प से ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, और मेथड नंबर 2 कि आप इस ट्रायंगल का ही एरिया निकाल लो और उसका
थ्री टाइम कर दो, ये ज़्यादा अच्छा और एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक शॉर्टकट तरीका बताया है, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, वाई वन माइनस वाई टू, वाई टू माइनस वाई थ्री, यूज़ करिए आप, जितना कंसेप्ट यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। फोर माइनस नाइन कितना हो जाएगा, थर्टीन, माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन, माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस टेन, एंड सेवन माइनस फोर इज थ्री, तो वन बाय टू, थर्टी नाइन माइनस ऑफ हंड्रेड, राइट, यानी एक तरह से 61 बाय 2, और ऐसा कितने टाइम करना है, थ्री टाइम करना है, तो इंटू थ्री कर दीजिए, तो 183 बाय 2 इज अ राइट आंसर। ये भी एक टेक्निक्स होती है, अदरवाइज आप पहले ऐसा करते हैं, x प्लस फोर माइनस नाइन अपॉन थ्री इक्वल टू वन, y माइनस थ्री प्लस सेवन अपॉन थ्री इक्वल टू वन, सॉरी इक्वल टू फोर, एक्स वाई निकाल के करते, ये भी एक तरीका हो सकता था, एक अनदर अप्रोच ये भी हो सकती थी, जितना देखिए इन क्लासेस का पर्पज़ ये है कि क्या क्या टेक्निक्स हम नई डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और समझें कि क्या किया जा सकता है क्वेश्चन में सिंपलेस्ट वे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखिए क्या है, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ मेजर एक्सेस अलॉन्ग द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पासिंग थ्रू, ये आपसे हो जाएगा पासिंग थ्रू बोला है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी। सबसे पहले ऑप्शन में ही देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, पहले 4, 3 रख लीजिए, एक बार माइनस वन फोर, दो इक्वेशन मिलेंगी, ए भी सॉल्व हो जाएगा, बट इसकी जगह मैं बोलूंगा कि पहले यही चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, हो सकता है एक ही कर रहा हो, तो आपको सॉल्व करने का भी टाइम बच जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 21 क्या क्वेश्चन है समझिएगा, इसमें बोला है इफ द सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, 21 भी आपको मैं बता देता हूँ, हिंट देते हुए चलता हूँ, 21 में बोला है सर्कल कट ऑर्थोगोनली मीन्स टू सी डी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू से आपसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स, तो 22 की बात करें तो 22 में बोला है द डिस्टेंस इन पैरेलल लाइन, तो डिस्टेंस इन पैरेलल लाइन क्या होता है, सी वन माइनस सी टू रूट, बस एक्स और वाई के कोफिशियंट सेम बनाना मत भूलना, जैसे पहली इक्वेशन है वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, एक है सिक्स एक्स इक्वल टू थ्री बाय प्लस फाइव, तो आप इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी कितनी हो जाएगी, थ्री बाय इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व, एंड देन सब्ट्रैक्ट करें तो जैसे ट्वेल्व माइनस फाइव करेंगे और फिर अपॉन में स्क्वायर लें तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी डिस्टेंस इन पैरेलल लाइन बोला तो एक्स और वाई को सेम बना के करें, तो जो भी इक्वेशन दी उनको सेम बना के ही डिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 23 में बोला गया है, 23 क्वेश्चन में बोला है इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ एल ऑन द एक्सेस देन एल, तो ऐसा पूछा गया, देखिए क्या बोला है, इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स, ऐसा है इसके किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट लें तो इसकी इक्वल लेंथ बोली कितनी एल, इफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ एल ऑन द एक्सेस, मतलब ये भी एल हो ये भी क्या हो एल, तो इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक तरह से हम बोल सकते हैं एल, तो आपको लेंथ ऑफ एल बताना है। अब क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका कि इसके कोऑर्डिनेट होगा एल कॉमा जीरो, इसके हो गए जीरो कॉमा एल, राइट। अब इसका जो स्लोप है उससे इसको कंपेयर कर दो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये भी देखिए टेक्निक इन टू dy बाई dx इक्वल टू जीरो, मतलब एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं माइनस ऑफ एक्स अपॉन ये हो जाएगा वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस कैंसिल हो जाए माइनस रहेगा अपॉन एक्स अपॉन वाई, यस और नो। अब जो इसका जो स्लोप आया है और इस लाइन का जो स्लोप है, दोनों के स्लोप को आप अगर इक्वेट कर दोगे तो आपको डायरेक्टली कंडीशन मिल जाएगी, राइट। कैसे करेंगे देख लेते हैं, एक काम करते हैं, बल्कि इसको ऐसे भी नहीं करते, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, बल्कि इसको एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं
इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो y इक्वल टू मैं माइनस एक्स प्लस एल ले लूँ, और क्यों ना कंडीशन ऑफ जो हम पहले कर चुके। कई बार ऐसा होता है कि हम इनिशिएट गलत ले लेते हैं, ऐसे में कहीं पे भी समझ में आ जाओ स्टेप पे रुक जाओ। अब आपको ये पता है कि ये अगर इसकी टेंजेंट है तो c इक्वल टू रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यों ना एल पूछा डायरेक्टली लिख दें प्लस माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सीधा सीधा आ गया। अननेसेसरी इसकी जरूरत थी नहीं, मैंने गलत ये डिफरेंशिएशन करा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बल्कि इसमें आप उलझ सकते थे। तो कभी ऐसा भी हो तो इमीडिएटली आपको क्लिक कर जाना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को या कितना सिंपल हो सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन लेंथी हो रहा तो एक बार जरूर सोच लें कि उसमें और क्या तरीका हो सकता है जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या क्वेश्चन है 24 समझते हैं। देखिए 24th क्वेश्चन में बोला ए पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। अभी इस तरह के क्वेश्चन जेई में भी मिलेंगे आपको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। ए पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिंपल ओरिजिन से निकालना था तो पी इक्वल टू आप ए लिखते, वन अपॉन रूट वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर देते तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 25th क्वेश्चन में क्या बोला देखिएगा, 25th क्वेश्चन में बोला है इफ द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, if the tangent at extremities of a focal cord of a parabola x square equal to 4ay meet the tangent at the vertex at point whose abscisses are x1 and x2, then x1 x2, ये standard question है, याद रखिए x1 x2 कितना होता है माइनस ए स्क्वायर, बाकी करेंगे कैसे समझ लेते हैं। देखिए ये हाइपर पैराबोला है, अब फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो फोकल कॉर्ड की जगह अगर आप लेटर सेक्टम ले लें तो भी चलेगा। अब लेटर सेक्टम एंड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिए लेटर सेक्टम के एंड के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा माइनस टू ए, ए कॉमा टू ए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपने एक्स की जगह नहीं ऐसा होगा सॉरी, ये उसके लिए होते हैं माइनस टू ए कॉमा ए एंड टू ए कॉमा ए, आप रख के देख लीजिए, आपने अगर एक्स की जगह रखा टू ए तो फोर ए स्क्वायर ये इक्वल हो गए। अब इससे अगर मैं एक टेंजेंट लूँ और अगर इससे टेंजेंट लूँ तो ये जो है x1 कॉमा जीरो है, ये x2 कॉमा जीरो, आपको इसी के लिए रिलेशन पूछा है। राइट, अब एक से निकाल लीजिए केवल प्लस माइनस के चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप एक काम करिए इक्वेशन क्या है ये, तो इसका डिफरेंशिएट करिए 2x इक्वल टू 4a इंटू डी वाई बाय डी एक्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, इक्वेशन आप टेंजेंट से भी निकाल सकते हो, 2 तो कैंसिल हो जाएगा x अपॉन 2a, राइट x अपॉन 2a। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी तो आप यही लिखते हैं, या फिर एक तरीका था एक्स एक्स वन इक्वल टू 2a इंटू वाई प्लस वाई वन से भी कर सकते थे, तो एक्स एक्स वन तो a कितना है 2a, तो माइनस 2ax इक्वल टू 2a इंटू वाई प्लस a, एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है तो एक्स एक्सिस पे अगर मीट कर रही है तो देखिए क्या होगा, वाई का वैल्यू जीरो रख दीजिए, ये 2a से 2a भी कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू एक तरह से इक्वेशन ये वाई प्लस ए, राइट एक्स एक्सिस से मीट कर रही, वाई को जीरो रख दो तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए कॉमा जीरो, तो ऑब्वियसली इसके ए कॉमा जीरो होंगे, एक्स टू हो गया और एक्स वन इंटू एक्स टू आपसे पूछा है दिस इज माइनस ए स्क्वायर। राइट, इससे भी निकालते तो वही तरीका था, वाई माइनस पहले आप रख देते एक्स की जगह कितना माइनस टू ए, तो माइनस टू ए अपॉन टू ए, तो स्लोप आ जाता माइनस वन, देखिए ये माइनस वन ही आया स्लोप अगर ध्यान दें तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, और इस लाइन के कंपेयर में ये इधर है तो इधर प्लस वन आ जाता, तो बस प्लस माइनस का चेंज होता, वही एक चीज़ थी। पर ये इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हो सके तो आप याद रख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या क्वेश्चन है देखिएगा और समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। 26 क्वेश्चन में बोला गया है, 26 क्वेश्चन में बोला गया है द सर्कल
x square plus y square equal to 9 is contained in the circle. Contained in the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 25 equal to c square. If क्या वैल्यू हो सकती है सी की? सी की वैल्यू 2, 3, 5 एंड सी इक्वल टू 10. थोड़ा सा हम समझे तो ये बोला है कि द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इज कंटेन इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टू सी स्क्वायर. क्या करेंगे देखिए, तो आप समझिए पहले कि ये जो सर्कल है ये ऐसा है और इसका रेडियस है 3 यूनिट. दूसरा जो सर्कल है मतलब ये कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0, ये होंगे 0, 3. अगर इसको देखें हम तो इसका एक बात समझ में आती है कि इसका जो सेंटर है वो 3, 4 पर है, एक बात. और दूसरी बात, 3, 4 पे होने के साथ साथ अगर मैं इसका रेडियस देखूँ तो 9 + 16 -25 -- प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी है. अब लॉजिक से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ये कहीं यहाँ कहीं आएगा 3, 4, राइट. अब इसको ये ओरिजिन है. अब लॉजिक से देखिए, अगर सेंटर यहाँ तो कुछ सर्कल ऐसा होगा. अब आप अगर इसका इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालें 3, 4 का तो वो है 5. अच्छा, इससे इस सी का डिस्टेंस, ये सी रेडियस है, आप समझना, ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन है. सी ये रेडियस है, या यहां पर समझ लो कि ये जो है ये तो 3 है, इतना हुआ 5 और ये सी रेडियस हुआ. तो अब एक चीज बताइए कि सी की वैल्यू, अगर ये 3 है, अगर सी की वैल्यू 3 से कम हुई तो ये कट कर जाएगा, कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 है और ये पूरा 5 है, यानी इसमें ये 5 के बाद कम से कम सी की वैल्यू 3 तो होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 3. तो अपने आप ही ये पूरा सर्कल इसके अंदर कंटेन कर जाएगा. अब इसका मतलब ये 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता. अब ओवरऑल आपको बताना है कि कितना होगा, क्योंकि रेडियस की बात कर रहे हैं. सी क्या है? रेडियस है. यहां पर ध्यान रखना, सी यहां से इसके सेंटर से लेके यहां तक जाएगा, तो ये 5 अगर ये है तो ओवरऑल, सॉरी मैंने यहां 3 लिख दिया था, ये 5 + 3 ऐड होना चाहिए. समझिएगा, इसके इस सेंटर से ये जो 3, 5 है, अगर मैं इसकी लाइनें बढ़ाऊं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये 5 है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा यहां तक, और इस सर्कल में कंटेन कर रहा है तो कम से कम ये 3 है तो उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी 8 से बड़ा होना चाहिए सी को. सी ग्रेटर देन 8 होना चाहिए. तो ग्रेटर देन 8 में एक ही आंसर है, दिस इक्वल टू 10. एक बार फिर समझा देता हूं कि पहला जो सर्कल है उसका सेंटर है 0, 0, रेडियस है 3 यूनिट और ये इस तरह का. अगला जो सर्कल है उसका सेंटर है 3, 4. अब सेंटर से सर्कल को खींचना है. अब ऐसा रेडियस लो जो कि इस पूरे सर्कल में आ जाए. अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपने रेडियस, अब क्योंकि इसका रेडियस सी है, अगर सी की वैल्यू 3 ले ली तो इतना सा होगा, यहीं कट कर जाएगा वो, क्योंकि यहां से भी तो कट करना है ना. अगर आपने मान लो 4 ले लिया तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ही 5 यूनिट है. तो 5 यूनिट और ये रेडियस 3 मिला ले तो ही सर्कल कंटेन करेगा, यानी सी की वैल्यू 8 से बड़ी होना चाहिए. उसमें एक ही ऑप्शन था इसलिए वो करेक्ट आंसर हुआ. अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की. 27 क्वेश्चन क्या है, ये तो खैर सिंपल है, आप लोग खुद ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इसमें. 27 में बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. देखिए, पासिंग थ्रू वर्ड जब भी आए तो सबसे पहला काम तो हमें ऑप्शन पे अप्रोच करना ही चाहिए. पासिंग थ्रू 0, 1 एंड पासिंग थ्रू 0, 1 एंड मेकिंग एन एंगल विथ वाई एक्सिस इज इक्वल टू द इंक्लाइन टू द एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4. पहले देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. अगर मैं वाई की जगह 1 रख दूं तो ये कर रहा है. एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 एक्स की 0 ये नहीं कर रहा. 2x इक्वल टू वाई प्लस 2 ये भी नहीं कर रहा. यदि करेक्ट आंसर है तो बाकी सबकी जरूरत ही खत्म हो गई. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. उसकी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज ऐसी दी हुई है. 29 क्वेश्चन में देखिए क्या है. लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है. ए बी इक्वल टू बोला है बी सी. लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू बी सी इफ बेस बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एम वन एम टू
are slope of median drawn through the angular point B and C, then relation पूछा, ठीक है। अब देखिए एक बात बोली, अगर आपको isosceles triangle दिया है तो जरूरी थोड़ी कि आप isosceles ले, equilateral भी ले लें तो भी हो जाएगा, पर इसमें क्या बोला है वो देखिए ध्यान से। बेस को लिखा हुआ, लेट ए बी सी बी एन isosceles triangle, ए बी इक्वल टू बी सी इफ बी सी इज बेस, अगर बी सी बेस है तो ये हो गया ए पॉइंट, और ए बी ये लाइन और ये लाइन आपको इक्वल बोली है, तो स्लोप के बारे में पूछा। अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूं तो एक बात समझिए, ये एक मीडियन हो गई, मीडियन M1, एक मीडियन ये हो गई, अच्छा ये 30 डिग्री पे जाएगी इक्विलेटर पे, ये भी 30 पे, पर एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये प्लस 30 होगा, यहां पर लेंगे तो ये प्लस 150 होगा, इसका मतलब M1 हो गया 1 बाय रूट 3, M2 हो गया माइनस 1 बाय रूट 3, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर विल बी 0, राइट। क्वेश्चन समझते चलो, अपने आप आपके कंसेप्ट बनते जाएंगे, फाउंडेशन अगर अच्छा है, बेसिक अगर कोऑर्डिनेट का अच्छा है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 29 का 30, अच्छा एक क्वेश्चन ये छूट गया 28, वो भी देख लेते हैं, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट मतलब इनफाइनाइट पे जाकर टच करें, द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट जो कि होता है 2 tan इनवर्स b अपॉन a हाइपरबोला में, राइट, हाइपरबोला में ये इनफाइनाइट पे ये एसिम्प्टोट्स हैं, उनके बीच का एंगल 2 tan इनवर्स b / a, तो आप देखिए इक्वेशन दिए 27x² - 9y² = 24, यानी लॉजिकली देखें तो x² अपॉन 24 बाय 27 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 24 बाय 9 इक्वल टू 1, तो 2 tan इनवर्स b बाय a, अच्छा 24 कैंसिल होगा, b ये है तो 1 बाय 3 अपॉन 1 अपॉन 3 रूट 3, तो ये कैंसिल, रूट 3 यानी 2 पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 इज आर राइट आंसर 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोला क्या है उसमें देखते हैं। 30 में इफ y इक्वल टू mx बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइन x² इनटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2xy tan थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, 30 क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ रूट 3 एम स्क्वायर प्लस 4 एम इज, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, इफ वाई इक्वल टू एम एक्स, इफ वाई इक्वल टू एम एक्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ रूट 3 एम स्क्वायर प्लस 4 एम इज। अब समझिएगा क्या करेंगे इसमें, इसमें मैं करूंगा कि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hx y प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हो तो इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन ये होती है, तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी a। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप कम से कम लिखना, आप डायरेक्ट लिखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बचाएंगे, एक्स वाई अपॉन टेन थीटा, राइट। अब देखिए क्या बोला, x² माइनस y² अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, और ये भी पाई बाई 3 दिया है तो sec 30 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू xy अपॉन टेन 60 यानी रूट ऑफ 3। अब आपको वैल्यू भी दिए थीटा की पाई बाई 3 और साथ में वाई इक्वल टू एम एक्स दिया, तो वाई की जगह अगर एम एक्स रख दूं तो x² माइनस m² x² अपॉन 4 इक्वल टू एक्स इंटू एम एक्स, x² कैंसिल यानी 1 माइनस m² इंटू रूट 3 इक्वल टू 4m, खत्म, बस अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो जैसे ही या जिस फॉर्म में दिया आ गया ना आंसर, रूट 3 माइनस रूट 3 एम स्क्वायर इक्वल टू 4m, तो रूट 3 इक्वल टू आपसे बोला ही है रूट 3 एम स्क्वायर प्लस 4m, दिस इक्वल टू रूट 3, यानी आंसर हुआ रूट 3, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 क्या क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन में जो बोला गया वो समझें। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्क, सॉरी 31 अलग है। अ लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट है ए एंड बी। अ लाइन एल इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हेन द एक्सिस आर रोटेट थ्रू अ गिवन एंगल कीपिंग एन ओरिजिन फिक्स। अब ये एक्स एक्सिस को आपने और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया कुछ इस ढंग से, कोई एंगल मान लो अल्फा एंगल से आपने रोटेट कर दिया, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी ऐसी रोटेट हो जाएगी। अब ओरिजिन से जितना डिस्टेंस अभी उतना ही डिस्टेंस अभी भी रहेगा, राइट। देन द ओरिजिन फिक्स द सेम लाइन हैज इंटरसेप्ट पी एंड क्यू। अब लाइन क्या पी और क्यू का इंटरसेप्ट बोला है, ये पी और क्यू, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब इसमें याद रखिएगा जब भी रोटेशन वाला बोले तो पी और क्यू हो गए नए, तो 1 अपॉन पी इक्वल टू डायरेक्टली आप यूज कर ले अल्फा से अगर रोटेट किया तो कॉस अल्फा अपॉन ए प्लस साइन अल्फा अपॉन बी एंड 1 अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन ए यहां आ गया प्लस साइन अल्फा अपॉन बी। सॉल्व कर दे स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो सीधा सीधा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, ये साइन अल्फा आएगा। एक मिनट, कॉस अल्फा अपॉन ए प्लस साइन अल्फा अपॉन बी, ये ठीक है, साइन अल्फा अल्फा के साथ है ये हो जाएगा, एक मिनट, साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा, तो कितना जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि आप जब इसको आप 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 2ab कैंसिल हो जाएगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या क्वेश्चन है समझिएगा और कैसे करेंगे उसको। 32 क्वेश्चन में बोला गया है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अबव द x एक्सिस। अगेन इसमें सेम वही कंसेप्ट यूज करिए कि इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम और इसके सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डाल दो तो वो कितने के इक्वल लिखेगा रेडियस के, और इसका सेंटर क्या है 3,0 रेडियस इज ऑल्सो 3, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस ए कॉस अल्फा x cos अल्फा होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पी बियर पी इज कॉन्स्टेंट। अब देखिए लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछा है और ऐसा बोला ये a है ये b है, क्या बोला द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पी बियर पी इज कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटरसेप्ट है p अपॉन cos अल्फा इसका और इसका है 0 p बाय sin अल्फा। इसका मिड पॉइंट अगर एच के है तो ऐसा बोल सकते हो h इक्वल टू p बाय 2 cos अल्फा और k इक्वल टू p बाय 2 sin अल्फा, ऐसा भी बोल सकते हो cos अल्फा इक्वल टू 2 cos अल्फा अपॉन p इक्वल टू
वन अपॉन एच, या ऐसे ही रहने दो, कॉस अल्फा रहने दो, कॉस अल्फा इक्वल टू पी अपॉन 2h, साइन अल्फा इज ऑल्सो पी अपॉन 2k, देन 1 इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अपॉन 4h स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अपॉन 4k स्क्वेयर, ये लोकस आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 34। और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में, सभी में, ये थोड़ा धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, जितनी कम से कम स्टेप्स लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। 34 में क्या बोला सुनिए, 34 में बोला इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ओके, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए वन बी वन एंड कोई एक पॉइंट है जिसका लोकस निकाल लो, आप एक्स वाई ले लो चाहो तो, जिसका ए वन बी वन एंड ए टू बी टू से इक्यू डिस्टेंस है, देन द वैल्यू ऑफ सी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए वन बी वन एंड ए टू बी टू इज, इसकी क्वेश्चन दी हुई है ए वन माइनस ए टू इन टू एक्स प्लस बी वन माइनस बी टू इन टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आपको सी का रिजल्ट पूछा है, बहुत बढ़िया। तो आप इसकी इक्विडिस्टेंस मतलब हो गया, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी, तो आपको एक तरह से गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी या पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, मतलब एक तरह से एक्स माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक तरह से आपको मिलेगा स्टेप कम से कम लिखना माइनस टू ए एक्स टू ए वन एक्स वन माइनस टू बी वन वाई प्लस ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, ऐसे यहां पर मिलेगा कितना, ऐसे ही यहां पर मिलेगा कितना बोलिए, माइनस टू ए टू एक्स एक्स माइनस टू वाई बी टू प्लस ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, किसी भी एक को इधर ले लो। अब ए वन माइनस ए टू दिया तो उसको उधर ले जाओ, तो देखो x कॉमन लिया और 2x कॉमन लिया एक तरह से, ऐसा बोलो आप, तो आपको मिलेगा a1 वन माइनस ए टू प्लस टू वाई कॉमन लिया तो मिला b1 वन माइनस बी टू प्लस जो जो बचा है वो सब लिख लो, a1 वन स्क्वायर बचा b1 वन स्क्वायर बचा माइनस a1 वन सॉरी a2 b2 है, ये थोड़ा ध्यान रखना, और ये a1 वन स्क्वायर माइनस b1 वन स्क्वायर दिस इक्वल टू जीरो। अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो ये टू आ गया, और इससे कंपेयर कर दूं क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो सी का वैल्यू यही आ गया, यही आंसर दिया है, वन बाय टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है 35। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज माइनस 1, ये तो खैर डायरेक्टली आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जिनके इंटरसेप्ट का सम 1 हो, माइनस 1, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी पे जाओ बी भी नहीं है, सी पे जाओ सी भी नहीं है, केवल डी है, डायरेक्टली हो गया, इतना उलझने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन हम बिना मेथड के भी इजीली कर सकते हैं, देखो इसका इंटरसेप्ट का सम माइनस वन ही आ रहा है, तो आपने डायरेक्टली ही कर लिया, और यही कोशिश होना चाहिए कि कहां पर आप स्टेप सेव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात 36 की। 36 क्वेश्चन में क्या बोला देखो, लेट पी एस बी द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विथ ट्राइंगल पी, पी के कोऑर्डिनेट दिए 2 2 क्यू 6 माइनस 1 आर 7 3, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 1 एंड पैरेलल टू पी एस, पासिंग थ्रू 1 1 देखो जरा कितने को सेटिस्फाई कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, पहले तो इसी को देख लो, ए नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है, केवल डी कर रहा है, तो बात खत्म हो गई। नहीं तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक था इसमें, पासिंग थ्रू 1 1 और पी एस जो है, पी एस क्या बोला, पी एस इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेसेस, तो पी एस मीडियन हो जाती, राइट तो आप उसका स्लोप पैरेलल बोला लाइन उसके, तो आप इजीली बता सकते थे लाइन पासिंग थ्रू 1 1 एंड पैरेलल टू
पी एस, तो पी एस का स्लोप और पासिंग थ्रू 1-1, पर उसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपने इजीली ऑप्शन से ही कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्वेश्चन में क्या दिया समझिएगा। 37 क्वेश्चन में बोला द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 लाई ऑन द सर्कल, द लोकस ऑफ एनी पॉइंट। अब देखो ऐसा बोला द सेंटर ऑफ अ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 लाई ऑन द, इस सर्कल पे लाई कर रहा है, किसका, एक और सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3। अब इसका मतलब हुआ कि अगर इसका रेडियस देखें तो 5, तो कंडीशन ये आएगी R1 - R2 से बड़ा होना चाहिए और R1 + R2 से छोटा। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन हो जाएगी 5 - 3 करोगे तो 2 और 5 + 3 करोगे तो 8। ये डायरेक्टली 8 नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यानी इस तरह से इसका आप, ये सिंपल सी ट्रिक्स है, ये 25 है मतलब रेडियस 5 है, तो 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। इस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस 38 क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 क्वेश्चन आप लोग अभी इस तरह का एक ऑलरेडी कर भी चुके हो। इफ द लाइन, टू लाइन दी है, अब इसको करने की 2 3x + y = 1 और 3x - y लाई अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 2πr दिया है, 10π, पाई से पाई कैंसिल यानी r5, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, तो डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखें तो देखिए क्या है, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन x = y, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y = x बाय द सर्कल x² + y² - 2x = 0 इज ए बी, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज अ डायमीटर। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ, आप सिंपल से लॉजिक से समझो, ये कोई सर्कल है, पासिंग थ्रू ऑब्वियसली ओरिजन है, इस तरह का सर्कल है। अब ये लाइन है y = x की, तो एक पॉइंट हो गया 0 0, y की जगह यहाँ रख दो x, तो 2x² - 2x = 0 यानी 2x कॉमन, तो x - 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1। अब इसे डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है, तो डायरेक्टली x - x1 (x - x2) + y - y1 (y - y2) = 0 आपने डायरेक्टली इससे आंसर निकाला, राइट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा अच्छे से। 40 क्वेश्चन में बोला है, 40 क्वेश्चन में बोला है इफ द सर्कल्स x² + y² + 2x + cy + a = 0 एंड x² + y² - 3x + dy - 1 = 0 इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टेंट पॉइंट P एंड Q। ये 2 डिस्टेंट पॉइंट पे मीट करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं P एंड Q, ठीक है। देन द लाइन, एक और लाइन दी है 5x + by - a = 0 पासेस थ्रू P एंड Q, यानी ये लाइन जो है वो PQ से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है कॉमन कॉर्ड हो गई, यही कॉमन क्वाड है और यही इससे भी जो निकलेगी वो आएगी, दोनों को सेपरेट कर दो तो कॉमन क्वाड की इक्वेशन क्या मिलेगी, 5ax + y कॉमन ले लो तो c - d + a + 1 = 0 और यहां पर देखें तो 5x + by - a = 0 सेम इक्वेशन है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम होंगे, 5a / 5 = c - d / b / a + 1 - a, राइट। 5 से 5 कैंसिल, इसको इससे कंपेयर करो तो -a² = a + 1 यानी a² + a। अब इससे रूट्स इमेजिनरी मिलेंगे तो b की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ नो वैल्यू ऑफ b, राइट, नो वैल्यू ऑफ b। अच्छा क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए 41 क्वेश्चन में क्या बोला है,
41 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, 41 क्वेश्चन में बोला है, लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 0 0, ओके, एंड रेडियस 3 यूनिट. द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सी दैट सबसेंड एन एंगल 2π/3 एट इट्स सेंटर. ठीक है, एक समझिए क्वेश्चन कितना अच्छा है. ये एक सर्कल है, लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3 यूनिट. इसका रेडियस 3 यूनिट है और ये 0 0 इसका सेंटर है. ये कोई कॉर्ड होगी ए बी जो कि सेंटर पर 120 का एंगल सबसेंड कर रही है, यानी ये एंगल 120 तो ये 60, ये भी 60, ये 90 एंड दिस इज 30. ये 3 यूनिट है, ध्यान रखिएगा. लेट सी बी द सेंटर विथ, ऊपर भी बना सकते थे लाइन, ओ 0 0 एंड रेडियस 3 यूनिट. द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. अब मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड बोला है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सी सबटेंड एन एंगल 2π/3 एट इट्स. अब समझिए, अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, अब ये 0 0 है, थोड़ी इसका लोकस निकालना है मिड पॉइंट का, जिसको हम बोल रहे हैं एच कॉमा के. तो एक तरह से ये डिस्टेंस हुआ के, यस और नो. और अगर लॉजिकली देखें ये ऊपर होता तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता, किसी को भी ले लो, ये डिस्टेंस हुआ के, ये डिस्टेंस हुआ एच, और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है 3 यूनिट. अब यहां पर ये 60 डिग्री दिया, आप इससे भी कर सकते हो. जैसे अगर मैं बोलूं आपसे अब देखो, आपको लोकस ऑफ क्या निकालना है, एच के. एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको के भी ना लिखें, अगर मैं चाहूँ तो ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको बोला है मिड पॉइंट ऑफ, इसका लोकस बताना है, ठीक है, कॉर्ड का. अब ये बताइए, अगर ये डिस्टेंस मैं पूछूँ कितना होगा डी, तो आप बोलेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. और अगर मैं देखूँ तो ये वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान दीजिएगा, आपने ये 3 लिखा है, ये लिखा है, सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 30 है. तो मैं बोलूँ साइन 30 क्या होगा, तो आप बोलेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय 3. अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये 1/2 है, तो 1/4 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय 9, या लोकस बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, राइट. ये इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका हो सकता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 समझते हैं कैसे करेंगे. द टू सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर, ब्रैकेट में लिखा सी ग्रेटर देन 0, मतलब सी पॉजिटिव, टचेज ईच अदर इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द टू सर्कल टचेज ईच अदर. अगर ध्यान दें तो ये सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस सी यूनिट है. इस सर्कल को देखें तो ये इसका सेंटर है, ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, मतलब माइनस सॉरी ए बाय 2, 0, और रेडियस भी ए बाय 2 हो जाएगा. अब एक चीज समझिए कि ये पासिंग थ्रू ओरिजन है और इसका सेंटर 0 0, ये जब भी पॉसिबल हो सकता है, ये जब भी पॉसिबल हो सकता है कि ये तो सर्कल ऐसा है ही, ये एक और सर्कल कुछ इस तरह का होगा, राइट. जब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं. अब देखिए इसका रेडियस सी है और ये होगा a बाय 2, 0, तो ऐसा बोल सकते हैं ये c और ये c है. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पूरा, ये इसका रेडियस कितना a, इसका रेडियस कितना a, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि c1 c2 इक्वल टू r1 माइनस r2.
पहले सर्कल का सेंटर क्या है, जीरो जीरो, जीरो जीरो से इसका डिस्टेंस निकालोगे तो a बाई टू ही निकलेगा, r1 माइनस r2 यानी c माइनस a बाई टू, राइट, c माइनस a बाई टू। अब प्लस माइनस साइन ले लोगे तो आंसर आ जाएगा इसका, नोट कर लो क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो इंटरनल टच की कंडीशन थी। 43 बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या है, द नॉर्मल एट द पॉइंट बी टी वन स्क्वायर कॉमा टू बी टी ऑन अ पैराबोला मीट ऑन अगेन, तो इसकी कंडीशन आपको करवाई हुई थी, प्रूफ भी, पहले नॉर्मल की क्वेश्चन निकालिए, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, राइट। 44 वही सेम क्वेश्चन है, सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला है, तो आपको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्या क्वेश्चन है 45 समझिएगा, 45 क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 45 क्वेश्चन में बोला है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड व्हेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 1 एंड इसेंट्रिसिटी दिए 2/5। सबसे पहले देख लो पासिंग थ्रू कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर दो ऑप्शन कर रहे होंगे तो इसेंट्रिसिटी पे भी जाएंगे, नहीं कर रहे होंगे तो एक एक से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द स्ट्रेट लाइन, ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी, दोनों लाइनों को पैरेलल बना दो C1 - C2 से। देन 47 क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऐसा दिया है 2x, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस लैम्डा इनटू 6x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस मतलब स्लोप 1/0 के इक्वल होगा, राइट, यानी y इक्वल टू mx प्लस c को आपको इसका m जो है वो 1/0 से इक्वेट करना है, तो आपको डायरेक्टली पहले इसको x के टर्म में बना लोगे, ऐसे x कॉमन तो 2 + 6 लैम्डा, y कॉमन तो 3 - लैम्डा प्लस 4 + 12 लैम्डा इक्वल टू 0, और क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बोला है तो इसका स्लोप जो है वो 1/0 के इक्वल इक्वेट करोगे, तो आपको ऐसा लिखोगे आप, देखो y इक्वल टू y इंटू 3 - लैम्डा, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको ट्रांसफर कर दो, तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू चाहो तो ऐसे ही रहने दो, एक्स इंटू 2 + 6 लैम्डा प्लस 4 + 12 लैम्डा। अब एम कितना है, 2 + 6 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 3 = 1/0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 48 क्वेश्चन क्या, ये पेपर मैंने पूरा डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस को हम डिटेल इसलिए नहीं गए क्योंकि उसका पहले ही फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, कई सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कम से कम 2-3 टाइम जरूर करिए एग्जाम के पहले इस पेपर को, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व पूछा है, 4x² - 9y² = 1 विद कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, तो नो सच पॉइंट एक्सिस, ठीक है। 49 क्या क्वेश्चन है देखिएगा, लेट ई वी द एलिप्स एंड सी वी द सर्कल P एंड Q, देन विच वन ऑफ द इनसाइड और आउटसाइड की कंडीशन बतानी है, तो S1 < 0 इनसाइड इक्वल टू 0 ऑन द > 0 आउटसाइड, सीधा सीधा पॉइंट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन है 50, अ सर्कल इज ड्रॉन विद द टू फोकाई ऑफ द एलिप्स, यानी एक सर्कल है जो इसकी टू फोकाई ऑफ द एलिप्स बोला, यानी एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर हो जाएंगे AE0 -AE0, इससे अगर सर्कल जा रहा है तो इक्वेशन निकाल ली, रिलेशन रख दोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, राइट। अब ये सारे क्वेश्चंस में मैंने देखिए पूरी ये कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके में बताऊं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग मेथड किया आप उसके शॉर्ट मेथड से करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनमें आपने लॉन्ग किया उसको शॉर्ट मेथड से करें मेरे तरीके से, तो कम से कम आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और याद रखिए पेपर का डिस्कशन में थ्योरी पार्ट को हम ज्यादा अभी कवर कर सकते नहीं थे क्योंकि टाइम कम था, पर ये पूरा फाउंडेशन आपको पढ़ाया, अगर आप उसके बाद ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पूरा पूरा पेपर बनने वाला है, राइट।